आदरणीय लालू जी का जब बेल हुआ 17 तारीख को, उसके बाद हमको दिल्ली आना पड़ा। आप लोग सब लोग जानते हैं कि लालू जी की तबीयत जो है वो स्वस्थ नहीं है। किडनी में जो है लगभग जो 25 से 30% ही जो किडनी जो है उनका वो काम कर रहा है। सांस लेने में तकलीफ़ है, हार्ट पेशेंट हैं। कुछ दिन पहले उनका ऑक्सीजन लेवल जो है 80 से 85 के बीच जो है फ्लक्चुएट कर रहा था, गिर गया था। और कहा जाता है कि 95 के नीचे अगर ऑक्सीजन लेवल जो है कम हो तो चिंता बढ़ जाती है। यहाँ आने के बाद बिहार में, दिल्ली में, हर जगह जो है लॉकडाउन लगा। आप लोगों को पता होगा कि 17 तारीख से पहले झारखंड में भी बाय इलेक्शन था, मधुपुर में चुनाव था। उस चुनाव को लेकर के हम वहाँ खुद प्रचार में गए थे और हमारे घर के सारे स्टाफों की एक जाँच हुई। उसमें से लगभग 16 स्टाफ जो है संक्रमित, कोरोना संक्रमित जो है वो पाए गए। वो 16 स्टाफ जो है वो पॉजिटिव पाए गए। इसके बाद दिल्ली आने के बाद हमने खुद को भी जो है लालू जी से थोड़ी दूरी बना करके हमको रखना पड़ा, आइसोलेशन हमको करना पड़ा। और हमने खुद का भी टेस्ट कराया, हमने सारे एंटीजन टेस्ट से लेकर के आरटीपीसीआर टेस्ट हमने खुद भी कराया। अभी हमें कुछ लक्षण भी आए थे, उस लक्षण के बाद जो है अभी रिपोर्ट में मुझे नेगेटिव आया है, कोरोना नेगेटिव हूँ। लेकिन फिर भी एक जिम्मेदार विपक्ष होने के नाते हमारे पार्टी के जितने विधायक हैं, कई जगह हमने खुद भी स्वयं भी राघोपुर के लिए भी 1 करोड़ रुपए का फंड हम लोगों ने दिया है और कई जगह जो है हमारे विधायक तत्पर हैं। राष्ट्रीय जनता दल के विधायक जो हैं ऑक्सीजन सिलेंडर भी 200-200 की संख्या में जो है सऊदी अरेबिया से मंगा रहे हैं, 100-100 बेड का इंतज़ाम कर रहे हैं, दवा का वितरण कर रहे हैं। सारे कार्यकर्ता जो हैं ज़मीनी स्तर पर जो हैं, एक सीमित दायरा है, इसलिए एक सीमित दायरा होने के नाते जो संभव मदद हो सकता है वो कर रहे हैं। बिहार की अगर स्थिति अगर वाकई में बात की जाए तो कहीं भी कोई इलाज नहीं हो रहा, कोई बेड नहीं मिल रहा। ये बात तो हम शुरू दिन से ही हम लोग कहते रहे हैं कि सरकार फेल हो चुकी है। आज अस्पताल में डॉक्टर नहीं है, नर्सेज नहीं है, दवाएं नहीं है, वेंटिलेटर चलाने वाला कोई नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, एम्बुलेंस की हालत आप सब लोग जान रहे हैं कि क्या है, कोई शव उठाने वाला नहीं है, कैसे चलेगा? अगर सरकार को थोड़ा सा भी अगर गंभीर होती तो डॉक्टर के परे जो खाली पद हैं उसको भरने का काम किया जाता, नर्सेस के जो भरे पद हैं उसको खाली करने भरने का काम किया जाता, स्वास्थ्य कर्मियों के जो टेक्नीशियंस के जो पदे जो खाली हैं, रिक्त हैं, उसको सरकार भरने का काम करती। कम से कम नेशनल एवरेज तो दूर की बात है, हम तो पद भरने की बात कर रहे हैं जो खाली है। एक साल में क्या नहीं हो सकता था, लेकिन सरकार में बैठे हुए लोग हमको ढूंढ रहे। अगर हम पटना के या कहीं भी अस्पताल में हमको जाने की अनुमति देगी बिहार सरकार इस कोरोना काल में, अगर हम जाते हैं तो हम पे मुकदमा होता है। अगर हम जाएंगे भी, मुकदमा से नहीं भी डरेंगे तो भीड़ लगेगा, लोग बोलेंगे कि नेता विरोधी दल जो है कोरोना फैला रहे हैं, सरकार को सहयोग नहीं कर रहे हैं। आज 1 महीना हो गया सरकार को सहयोग करते करते, अपने राय को देते देते हमारे जुझारू विधायक हर जगह जो है लालू जी के निर्देश पर सामूहिक किचन की शुरुआत की गई, लालू रसोइयों की शुरुआत की गई, दवा का वितरण चल रहा है, ऑक्सीजन मंगाए जा रहे हैं सऊदी अरबिया से। लेकिन एक सीमित दायरा होने के नाते कुछ ही सहयोग हम लोग कर सकते हैं। लेकिन कुछ लोग जो है एक अलग राजनीति में लगे हैं, नकारात्मक राजनीति में लगे हैं। हम लोगों को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है हर एक चीज का। पहली ऐसी पार्टी है जिसने सभी विधायकों का महीने का सैलरी जो है हम लोगों ने डोनेट किया। पहली ऐसी पार्टी दफ्तर देने को तैयार, हर तरह का सहयोग देने को तैयार।
बल्कि हम तो सरकारी बंगला भी जो हमको मिला हम कह रहे उसको भी आप ले लीजिए, तैयारी कीजिए, जो संभव मदद हो सकता हम लोग कर रहे हैं। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।